इधर 40 दिन का है, बसंत से लेकर के पूर्णिमा तक होली है। लेकिन हमारे संत लोग, हाँ संत लोग बताए, जो भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम में वो होली रोज होता है, वहाँ रोज होली खेलते हैं। राधा कुंड में कभी होली होता है, कभी आनर गांव में होली होती है, कभी होली है क्या भी। और राधा कृष्ण ये होली खेलते हैं क्यों? ऐसे नहीं गुलाल उठाए वो उसको ऊपर लगा दिया, वो उसको ऊपर लगा दिया, ये होली नहीं है। हाँ देखो जो जो गुलाल का जो रंग है ना हमारे तरफ में, देखो ये जो गुलाल का रंग यही से है। ऐसे राधा रानी जब नील रंग की साड़ी पहनती है, राधा रानी के ऊपर का जो चुंदरी है वो गुलाल रंग की। कहते राधा रानी ये गुलाल रंग की चुंदरी क्यों पहनती है? कहते गुलाल रंग है क्या चीज? कहते जो गुलाल रंग है ये अनुराग का प्रतीक। कृष्ण जैसे कृष्ण गुलाल लेकर के राधा रानी को है गुलाल फेंकती है, राधा रानी गुलाल कृष्ण को ऊपर फेंकती है, इसका मतलब क्या है? ये गुलाल ये प्रेम का रंग गुलाल है, मतलब कृष्ण अपना प्रेम से राधा रानी को भिगो देती है और राधा रानी अपना प्रेम से कृष्ण को भिगा देती है, उनको भी डूबा देती है। इसका मतलब यही होली है। मतलब कब हमारे ऐसे दिन आए हम भी राधा कृष्ण का दोनों प्रेम से हम भी डूब जाए, उनका प्रेम में हम भी शराब हो जाए। अगर उनका प्रेम में शराब हो गए ना, ये समझना फिर तो हमारा होली खेलना सार्थकता हो गया है। अभी प्रश्न है उनका प्रेम में हम कैसे उनका प्रेम में सराबर होएंगे, उनका प्रेम में हम सराबर कैसे होंगे? बोले तभी हो सकते हैं, इसलिए भगवान खुद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ कलयुग में मैं दो रूप में अवतीर्ण होऊंगा। कितने रूप में क्या किया है? कहते कलयुग में तो एक अपना नाम है, एक कलयुग में अपना नाम रूप में मैं अवतीर्ण होऊंगा है। इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए एक उनका जो रूप है वो नाम रूप में मैं जगत में अवतीर्ण होऊंगा। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? भगवान का नाम जप करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है वो वास्तव रूप में वही होली रंग में डूबता है। जैसे हमें किसी व्यक्ति को ढूंढना है, जैसे किसी व्यक्ति को हमें ढूंढना है, पहले हमें क्या पता होनी चाहिए उसका नाम? जैसे आनर गांव में गए, क्या नाम तुम्हारा? तेरा नाम क्या? मिथिलेश बाबा, मतलब मिथिलेश है, इसलिए श्री मिथिलेश, श्री सीता जी है। इसलिए जैसे इनका गांव आनर गांव में, अभी ये मिथिलेश को हमें ढूंढना है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? मिथिलेश और आनर गांव में वो मिथिलेश कहाँ पर? फिर ढूंढते ढूंढते गोवर्धन में जाएंगे, गोवर्धन से फिर आनर गांव में जाएंगे, फिर मिथिलेश नाम लेकर के बच्चा बात मत करो, क्यों बात कर रहे? इसलिए फिर हम जाकर के इनको हम पता लगाएंगे, फिर इनको साथ में मिलेगी। फिर उसी तरह अगर हमें कन्हैया को पाना है, पहले उनको नाम हमें पता चलनी चाहिए, किससे मिलना चाहते हो? बोले किससे मिलना चाहते हो? बोले से कान्हा से, राधा रानी से, राधा रानी से और कान्हा से मिलना चाहते हैं। फिर जाकर के ढूंढते ढूंढते उसको पाओगे। फिर उसी तरह कहते कलयुग में भगवान अपना नाम रूप में जगत में अवतीर्ण हुए। अगर हमें उनको पाना तो क्या करना पड़ेगा? उनको नाम को जप लेना पड़ेगा। जैसे हमारे नाम, जैसे ये मिथिलेश है, इनका नाम और ये अलग है। अगर इनका नाम दूसरे जगह पर कोई जप करे ना तो नहीं आएगी। लेकिन भगवान का नाम ऐसे है, कहीं भी ठाकुर का नाम लोगे ना ठाकुर जी आ जाएंगे। इसलिए कहते ना, इसलिए द्रौपदी को जिस समय दुशासन ने द्रौपदी की वस्त्र हरण कर रहा था, हैं? द्रौपदी की जिस समय दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था, वो क्या कर रही थी? वो सोच रही थी मेरे पांच पांच पति हैं, पांच पांच पति कौन कौन है? द्रौपदी कौन कौन पति थे? भीमसेन, सर्वश्रेष्ठ गांधी गदाधारी और सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ तलवार युद्ध में नकुल, सहदेव
और भाला युद्ध में श्री युधिष्ठिर महाराज पांच पांच पति, हमारी एक पति अगर वो पैसा वाला हो ना हम सीना चौड़ा करके चलते, उनको पता है मेरे पति कौन है, हैं? लेकिन उनके पांच पांच पति थे, लेकिन जिस समय उसके ऊपर विपत्ति आई ना, जिस समय उसकी वस्त्र हरण हो रही थी, कोई काम में आए, कोई पति उसको रक्षा किया, किसने किया उसको रक्षा, किसने ही नहीं किया, लेकिन लास्ट में किसने किया है, कन्हैया ने किया है। जब उन्होंने ठाकुर जी को दो हाथ उठा करके हे गोविंद रात शरण अब तक जीवन हारी, हे कन्हैया तेरे सिवाय जगत में मेरी कोई है ही नहीं, जब दोनों हाथ को उठा करके ठाकुर को बुलाया ना, ठाकुर स्वयं प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए। इसलिए कहते नाम के बाद खींचे आएंगे आखिर एक दिन श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम, इसलिए भगवान से बढ़कर तो उनका नाम है। इसलिए भगवान कहते हैं कलयुग में मैं अपना नाम रूप में जगत में अवतरण होगा, इसलिए अगर हमें भगवान को पाना तो क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करना, ठाकुर जी को नाम का हमें जप करना पड़ेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कहते मैंने तुमको ये हरि नाम दिया कि जो हरे कृष्ण बोलो एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु बोले चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो राधा कृष्ण दोनों मिलकर के उनका जो एक रूप है ये गौर हरि, इनका एक नाम गौर हरि, गौर मतलब गोरी राधा रानी, हरि मतलब कृष्ण, ये राधा कृष्ण दोनों मिलकर के कलयुग में श्री गौर हरि रूप में महाप्रभु रूप में आए। इसलिए स्वयं ठाकुर जी कहते हैं अगर तुम मुझको पाना चाहते हो क्या करो, मैंने तुमको ये हरिनाम दिया है, ये हरिनाम को नियम करके ये हरिनाम को जपा करो, कौन सा नाम है हरिनाम, कौन सा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे मतलब कौन है, हरे मतलब राधा रानी है, और कृष्ण का मन को चित्त को राधा रानी चोरी करती है हरण करती है, इसलिए उनका नाम हरे, और कृष्ण हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, पर हरे राम हरे मतलब राधा रानी, और इसमें जो राम है वो अयोध्या पति दशरथ नंदन राम नहीं है, ये कौन है, कहते राधा जी को साथ में कृष्ण रमण करते हैं रास करते हैं, हैं? राधा जी को साथ में कृष्ण रास करने का नाते उनका राधा रमण हरि गोविंद जयेंगे, इसलिए उनका नाम राम। इसलिए जो महामंत्र है उसमें केवल राधा कृष्ण का ही इसमें नाम और किसका नाम है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं अगर तुम मेरे को पाना चाहते हो क्या करो, ये हरे कृष्ण नाम को जपा करो, हरे कृष्ण नाम जप करोगे तो नाम को अंदर में ही मैं हूँ, नाम को अंदर में ही मैं हूँ। अब देखना कि दुनिया में भले ही तुम जिंदगी भर जो कुछ करना करो, जिसको पूजना पूजो और दुनिया में जो कुछ करना तुम कर लो, लेकिन ये अंतिम समय आएगा सब शरीर छूटेगा, जब कंधे पर चार लोग ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, ये बोलेंगे ना, मतलब क्या बोलेंगे, बोले जीवन में जितना हरि का नाम लिए राम का नाम लिए हो अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, और इसके सिवाय तुमने दुनिया में जो कुछ किया हो सब झूठा में बीता है, ये तो बात नहीं करने, बोले नहीं ये सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ करते हैं लेकिन किसको साथ में करेंगे, अगर तुम ऐसे भक्त बनोगे ना ठाकुर जी हमारे साथ में भी, इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, कहते मैया जसोदा जैसे तो, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपिया जैसे तो नचाते नहीं, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, अगर ठीक ठीक से उनको सेवा पूजा करोगे ना
तुम्हारे साथ में बात भी करेंगे, तुम्हारे साथ में खेलेंगे, तुम्हारे साथ में कूदेंगे, सब ठाकुर जी सब कुछ करते हैं ठाकुर जी है। इसलिए उनको ठीक ठीक से पूजा करनी चाहिए, ठाकुर को ठीक ठीक से ठाकुर जी को पूजा करनी चाहिए। देखो एक स्टोरी सुनो, ये सही घटना है। बोले एक समय क्या हुआ, कोई एक ब्रिगेडियर था, बोले सेना का जो मेन व्यक्ति, वो हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, समुद्र के बीच में हेलीकॉप्टर में आग लग गई। जो आग लग गई वहां पर कौन बचाने वाले, लेकिन जो ब्रिगेडियर जो मेन व्यक्ति था ना, वो था कृष्ण का भक्त था। अभी देखा था इसी समय और बचने का कोई उपाय नहीं, लेकिन जब उसने गिरा है ना, उसने एक बार केवल ठाकुर का नाम लिया। बोले ठाकुर अगर तुम सच्चे हो इस समय, और हमारी कौन रखिया करेगा तेरे सिवाय, इसलिए मेरे जान बचा लेना। इतना बोल कर वहां पर गिरी, उसके साथ में चार पांच व्यक्ति थे, ये सही घटना है। लेकिन उसको 3 दिन बाद में उसका आँख खोली, जब खोला देखा वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। बोले मेरे साथ में जो 3-4 लोग, बोले कोई नहीं सब मर गए। उसने सोचा फिर मैं बच गया कैसे, जब वो मर गए फिर मैं बच गया कैसे। उसने देखा जब मैंने गिरा था ना, कान्हा का नाम लेकर गिरा था, ठाकुर जी का नाम को लेकर गिरा था, इसलिए मेरे को बचाया था। किसने बचाया, ठाकुर ने मेरे को बचाया। बोले और मेरे को नौकरी नहीं करना तो मर जाता, ठाकुर का नाम लिया इसने, ठाकुर ने मेरे को बचाया। अभी जितना जो बचा कुचा हुआ जीवन को मैं कृष्ण सेवा में लगाऊंगा। अपना नौकरी उसने छोड़ दिया, छोड़ करके वृंदावन में आ गया। जैसे जुगल जोड़ी उन्होंने, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी को उन्होंने खरीद लिया, खरीदी करके उसको स्थापन करके अभी 3 घर ठाकुर को सेवा करते हैं। सुंदर उनको स्नान कराते हैं, उनको अभिषेक कराते हैं, और उनको झूला में बैठा करके हैं, सुंदर उनको झूला में उनको झूला झूलाते हैं, और उनको सुंदर श्रृंगार करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, अभी 3 रात ठाकुर जी की सेवा करते हैं। है बात मतलब, इसलिए ठाकुर जी को भी 3 बार सेवा करते हैं ठाकुर जी की। अभी एक दिन क्या हुआ, देखो नियम है ठाकुर को सेवा कैसे करनी चाहिए, ये चीज समझो। कहते हैं आत्मबद्ध सेवा करनी चाहिए। आत्मबद्ध मतलब जैसे गर्मी का समय हम क्या गर्मी का कपड़ा पहनते हैं पतले, और ठंडी का समय में कैसे कपड़ा पहनते हैं ऊन का, जैसे ठंडी जैसे लगे नहीं, और जैसे ठंडा समय आ जाए तो कैसे कौन सा पानी में नहाते हैं, ठंडे पानी में नहाते हैं गर्म करके, और जब गर्मी समय आए कैसे स्नान करते हैं। लेकिन ठाकुर को 15 दिन से एक कपड़ा पहना कर बैठा था, ठाकुर को कपड़ा नहीं बदला। और जिसने दिया तुमको सब कुछ है ना, वो 15-20 दिन 1 महीना से एक कपड़ा पहन कर बैठा हुआ, हर दिन में 3 बार खुद कपड़ा बदला है नहीं, बच्चे का बर्थडे हो जाए ए, कितने लोग कितना कपड़ा देकर जाते हैं, लेकिन ठाकुर का बर्थडे हो ना, ठाकुर को पहना है नहीं पहना पूछते नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। नियम है अपना बच्चे के लिए कपड़े खरीदी करने से पहले देखो ठाकुर के लिए, अपना बच्चे कभी धोखे दे सकता है। बच्चा कब तक है, जब तक शादी नहीं हो गई है, उसको 9 महीना तक पेट में धारण करो और मुंह का खाना खिला कर खिलाते हो, और बचपन में क्या होता है, रात भर रोता है सोने नहीं देता है, बच्चे पालेगी नहीं पालेगी, पाले हो ना, कितना मुंह का खाना निकाल करके अपना, जब तक बेटा नहीं खाते खाते नहीं, लेकिन वही बच्चा कितना पैसा देकर लेना बड़ा सिखाते हो, वही घर में बहू आ गई बस एक रात में ऐसे मंत्र देती है ना, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि बदल जाती है, बेटा का बुद्धि बदल जाती है, है? इसलिए बेटा ऐसे कर सकते, कन्या कभी से नहीं करेगी, थोड़ी सी सेवा करोगे। द्रौपदी क्या हुआ, कृष्ण का अंगुल थोड़ी कट गई, ठाकुर परीक्षा कर रहे थे, द्रौपदी ने क्या किया, साड़ी फाड़कर थोड़ा बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे कब इसका रेणी चुका है, कब इसका मैं रूढ़ी कब चुका है, क्यों बंद करते हैं, इसलिए कब हम इसकी रेणी का माम चुका है, ठाकुर जी सोच रहे हैं। लेकिन जब भरी सभा में विपत्ति पड़ी, किसने बचाई उस समय, नहीं कोई बचाया, कृष्ण ही बचाया और कोई नहीं बचाएगा है, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करो, खुद श्रृंगार करने से पहले तो ठाकुर का श्रृंगार हुआ, ठाकुर जी खुश रहेंगे तुम भी खुश रहोगे। जो व्यक्ति ठाकुर को जितने अच्छे सेवा पूजा करते हैं, बढ़िया से सेवा करते हैं, देखना उसका घर हरा भरा रहता है। एक उदाहरण लेकर समझाए, जैसे अपना शरीर को श्रृंगार करो, बढ़िया से श्रृंगार करके शीशा के सामने खड़े हो जाओ, देखना तुम जैसे अपना शरीर को सजाओगे ना, परछाई वैसे सज जाएगी,
परछाई को सजाने का कोई जरूरत है ही नहीं, अपना शरीर को सजाओ। कर उसी तरह जब हम कृष्ण की अच्छी तरह से उनको सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, खिलाएंगे, उनको पिलाएंगे ना, अगर कृष्ण खुश हो जाए अपने आप तुम खुश हो जाओ। अगर कृष्ण खुश नहीं है तुम्हारे घर में हैं, जैसे जैसे पटक कर रख दिया, जैसे एक हाँ स्टैचू जैसे, खुद को तो 3 बार सजाते हो लेकिन ठाकुर को स्नान नहीं, फार नहीं, ठाकुर कितना दिन से, ठाकुर का चूल केस केस बिखरा हुआ पड़ा हुआ, ठाकुर का शरीर में काला हो गया, खुद अपना शरीर में साबुन से रगड़ करके रगड़ के साफ को साबुन से धोते हो लेकिन ठाकुर जी काले पड़े हुए हैं। हाँ भोग भोग चनरी और इलाची का, और खुद प्याज उसमें डाल बिल्कुल चका से खा रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए ठाकुर जी को घर में जो रसोई बनाता है प्याज लहसुन तो घर में घुसानी नहीं चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। प्याज गैया की मांस से बना हुआ है, लहसुन गैया की हड्डी से, तो प्याज लहसुन नहीं गैया का मांस खाना होता है। इसलिए नवरात्रि आती है ना, कोई भी 9 दिन तक ये प्याज लहसुन कोई नहीं खाते हैं, नहीं खाते। इसलिए ऐसे नहीं 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा है, इसलिए ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए घर में प्याज लहसुन को छोड़ करके अच्छे तरह से खाना बनाओ, जो चीज ठाकुर का पसंद है, और ठाकुर को पहले भोग लगाओ, ठीक है ना। पहले किसको भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद को बच्चों को तो खुद भी खाओ, आनंद मेरा है। ये सुदामा पहले गरीबी क्यों बना, फिर धनी क्यों बना। टीवी देखे होंगे ना, जब कृष्ण सुदामा जंगल में गए, गुरु माता चना दिया था, बोले कन्हा को देख लेगा ना, लेकिन वो छुपा छुपा कर खाए, इसलिए गरीब बना। धनी का बना जब भगवान को दर्शन के लिए गए, 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जब तीसरी मुट्ठी खा रहे थे, रुक्मिणी हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं प्रभु जी आपने 2 मुट्ठी खा लिया ना, घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, तीसरी मुट्ठी खाओगे तो मैं दासी बन जाऊंगी। आया तो क्या देखा सुदामा, रानी घर में पत्नी राज रानी बन करके बैठी हुई, पहचान नहीं पाते सोने के महल। क्या देते हैं ठाकुर को, अगर भोग लगाओगे ना ठाकुर को दोगे तो खूब घर में लक्ष्मी आएगी, अगर ठाकुर को नहीं दोगे ना घर में गरीबी आ जाएगी, घर में गरीबी आ जाएगी। क्या करना चाहिए, ठाकुर को भोग लगानी चाहिए। वो जो व्यक्ति अभी दिन रात ठाकुर को सेवा करते हैं, अभी एक दिन क्या हुआ, ठंडे का ठंडा का समय था, अभी उसको कोई जल्दीबाजी काम पड़ा तो उसने क्या किया, रोज ठाकुर को रजाई उड़ाया करता था, घर का खिड़की बंद करता था, एक दिन क्या हुआ वो जल्दीबाजी से भूल गया, ठाकुर को रजाई नहीं उड़ाया, खिड़की बंद नहीं किया, जल्दीबाजी ठाकुर को सहन करके चला गया। इतने में जो रात को सो गया ना, रात में ठाकुर जी स्वप्न में आते कन्हैया, बोले आज तुम मेरे को रजाई नहीं उड़ाई, आज तुमने खिड़की बंद नहीं की, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को नींद नहीं आ रही है, ठंडा का समय अगर ऐसे सो जाओ तुम्हें नींद थोड़ी आएगी, आएगी नहीं। तो उसको तो नींद भूल गई, बोले सचमुच से मैंने आज खिड़की बंद नहीं की, ठाकुर को रिजाई नहीं उड़ाई, तो उन्होंने नींद खुल गई, उठा दरवाजा खुलकर देखा सचमुच से वो खिड़की खुली हुई और ठाकुर को रिजाई जल्दीबाजी से रिजाई ठाकुर को उड़ाएगी। इसमें तो रोने लगे, बोले ठाकुर जी तुम्हें भी ठंडी लगती है, तुम्हें भी ठंडी लगती है, बोले ठाकुर को सब कुछ लगता है। इसलिए भगवान कहते ना प्रेम के भूखे प्रभु जी, ठाकुर जी प्रेम की भूखे, उनका अगर दिन से सेवा करोगे ना ठाकुर जी को, ठीक से उनको पूजा सेवा करना। हमारे मंदिर में एक माता जी दिल्ली से आती थी, एक दिल्ली से एक रमेश नगर से एक माता जी आती थी, क्या भाव, हम देखकर गदगद हो जाते थे उनकी भाव को। उसका बच्चे कुछ विदेश में कुछ देश में रहते हैं, उसका बच्चे ना क्या करते थे, माता जी का हाथ खर्चा करने के लिए देती थी, वो उसको जो माता जी अपना लिए कभी साड़ी नहीं खरीदी करती, पहले जो थी उसको पहले देती थी, और जो बच्चे लोग देते थे ना पैसा उसको उसको जोड़ कर रखती थी। महीना में एक बार वृंदावन आती थी, उनको पास में ठाकुर की जुगल जोड़ी थी, महीना में एक बार आएगी और जितने संत है सबको बुलाएगी, वो बहुत बढ़िया कढ़ी बनाया करती थी। कहते हम लोग तो सब्जी फब्जी हम बना देते थे, वो कहते थे मैं कढ़ी बनाऊंगी, वो बढ़िया छौंक दे करके मेथी की बढ़िया गर्म एकदम बढ़िया उबाल उबाल करके सुंदर कढ़ी बनाती थी, वो बड़े सुंदर कढ़ी बनाती थी। इसलिए और सारे संतों को बैठा करके भोजन कराया करती थी और सबको दक्षिणा देती थी। कभी कभी विशेष जैसे चंदन यात्रा आएगा ना, अभी अक्षय तीजी आएगी, सारे संतों को बुला कर कपड़ा देगी, बैठा करके संतों इतने जो सोच, और वो थोड़ी हारमोनियम बजाना जानती थी, ठाकुर को सामने बैठा लेती थी,
माता जी अम्मा जी जो जानते हैं हमारे भक्त लोग, सब सामने वाली हारमोनियम लेकर के प्यारी प्यारी ठाकुर को भजन सुनाया करती थी, प्यारी प्यारी भजन सुनाया करती थी। और महीना में एक बार आती थी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर, तुम लोग जानते होंगे, वहां पर उसको एक महीना नहीं आई इसलिए उसको 30 चक्कर लगाई परिक्रमा करेंगे। और यमुना में जाकर के ना 30 डुबकी लगाई, मैं तो नहीं आ पाई एक महीना तक, रोज रोज का एक एक डुबकी लगाएगी, 30 डुबकी लगाएगी। जानते हो नाम कितने करती थी? 1 लाख हरि नाम करती थी, 1 लाख 64 माला करती थी, 6-7 घंटा लगेगा। अपना अपना हाथों से ठाकुर को श्रृंगार करती थी अपना हाथ से। वो जब बोलती थी ना मैं दंग रह जाता था, बोले प्रभु जी ये ठाकुर का माया बहुत कठिन है। वो जब जब आती थी वृंदावन में एक महीना में एक सुंदर कपड़ा, वहां पर नंद किशोर का दुकान है, जा करके ठाकुर जी के लिए अच्छे कपड़ा खरीदी करके ले जाएगी, अच्छे अच्छे कपड़ा। ये नहीं सोचे ठाकुर तुम बहुत कपड़ा है, देखना तुम्हारी कोई कौन सा तिथि में नए नए कपड़ा पहनते हो, कौन सा तिथि में इधर कौन सा तिथि में नए कपड़े पहनते हो, हाँ करवा चौथ और दिवाली में। अगर तुम्हारी जितने कपड़े हो, ध्यान से सुना, जितने कपड़े हो हैं, उस समय पति को बोलती कि नहीं नहीं कपड़ा चाहिए? अगर पति बोला समय नहीं हमारी, बोले पैसा मुझे दे तो मैं खरीद कर ले आऊंगी, बोलती कि नहीं मैं ले आऊंगी अगर तुम्हारी समय नहीं तो। वो माता जी हर महीना में ठाकुर के लिए देखो क्या बोलती थी, बोले बाबा मेरे को सुनाया करते सारी चीज, मैं जब ठाकुर को कपड़ा पहनाती ना, अगर उसको जो कपड़ा पसंद नहीं है ना, जितने में पहनाई अपनी अब फिसल जाएगा कपड़ा, मैं समझ जाऊंगी आज ठाकुर का ये कपड़ा पहनने का इच्छा नहीं। और जो कपड़ा उसको पहनने का इच्छा है ना, जब मैं वो कपड़ा पहनाऊंगा अपनी अब ठाकुर जी बैठ लेते थे अपने आप। वो कहती थी कभी जैसे मैं खाना ठाकुर को भोग लगा खाना बनाई, कभी मुंह बना देते थे ठाकुर जी, बोले नहीं मेरे को ये खाना पसंद नहीं है, और कोई चीज मेरे को खाना बनाओ, और कोई चीज दो, मुंह बनाते ठाकुर जी। कभी रूठ करके बैठ जाते हैं ठाकुर जी। कहते एक बार हम गाड़ी में आ रहे थे कामा में, हैं कामा में, वहां पर राधा गोपीनाथ जी का मंदिर, पता नहीं वहीं पर गाड़ी आकर कैसे खराब हो गया, आ गया तो पास में गोपीनाथ जी का मंदिर। वो जहां जाती थी ना ठाकुर को साथ में ले जाती थी, ठाकुर को साथ में ले जाती थी ठाकुर जी को, बोले जो पास में गोपीनाथ जी का मंदिर, ठाकुर जी को भी ले गया मंदिर में, ठाकुर में भी दर्शन किया ठाकुर, अब गाड़ी अपने आप सही हो गया। फिर मैं समझ गई ठाकुर की इच्छा थी गोपीनाथ जी को मिलने के लिए इच्छा थी, इसीलिए गाड़ी यहीं पर आकर के खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई। इसलिए ऐसे ऐसे वो अनुभूति की बात बताया करती थी। देखो उनका शरीर कैसे छोड़ा, देखो एकादशी का दिन मेरे को सवेरे उसने फोन किया, बोले मेरे को साथ में ज्यादा मंदिर में देखता था, बोले बाबा मैंने पैसा भेज दिया, आज सारे संतों को बुला करके सबको प्रसाद खिला देना और सबको 20-20 रुपया अलग प्रणामी भेज दिया, सारे संतों को 20-20 रुपया दे देना। सवेरे मेरे को फोन की उसने, अब दिन एकादशी का दिन सवेरे मेरे को फोन की, और थोड़ी देर बाद में ना और थोड़ी देर बाद में देखा वो खबर आया उसने शरीर छोड़ दी, शरीर छोड़ दी हंसते घुसते। इसलिए शास्त्र में बताया अनायसेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम इसका लेकर दही से वो अच्छे तरह से, और उनको श्रृंगार करना, रोज उनको स्नान करवाओ, चरणामृत पियो, चरणामृत पीने से अकाल मृत्यु हरणम असमय में मृत्यु नहीं होगी, सर्व व्याधि विनाशनम सर्व रोग खत्म हो जाएगी। कद भगवान की चरणामृत लेने से रोज ठाकुर को स्नान करना, चरणामृत बच्चों को पिलाओ, खुद भी चरणामृत पाओ, और ठाकुर को घर में जो खाना बनता है, जो पहले चीज आता है मिठाई जो कुछ आता है, अगर बच्चे जल्दीबाजी करते कुछ ठाकुर के लिए उठा कर रख लो, पहले अग्रभाग उसको उठा करके रख लो, रख करके फिर क्या करो बच्चों को फिर खाना खिलाओ, जब तक उसको कोई चीज भोग नहीं लगता है कोई चीज हमें नहीं खानी चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन भोज जनते तो अघम पापा जे पचंत आत्म करना, जो खुद के लिए बनाकर खुद खा लेता है वो हर ग्रास ग्रास में पाप भोजन करता है। मनु संहिता कहता है श्वान विष्टा वो कुत्ते का, कहते हैं कलयुग में मैं 2 रूप में आऊंगा, एक अपना नाम रूप में आऊंगा और एक में अपना विग्रह रूप में। और कलयुग में जो तुलसी है घर में, हर घर में तुलसी की पौधा होनी चाहिए। हम बोलते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी, वृंदावन मतलब क्या, वृंदावन वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी की पौधा वही पर ठाकुर जी।
इसलिए हर घर में तुलसी की पौधा होनी चाहिए, तुलसी के रोज स्नान करके पानी दो, उनकी परिक्रमा करो, तुलसी की पूजा करो। राधा रानी गोविंद को कैसे प्राप्त की? राधा रानी स्वयं कहती है, ये तुलसी की पूजा करके कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली, इसकी सेवा से मेरे पने आता, ठीक है ना। और गले में सबके सब तुलसी कट्टी पहनी, गले में क्या पहनोगे? तुलसी की कट्टी पहनना। इसलिए जब महाराज स्वयं कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं मेरे पास मत लाना, बोले पता कैसे चलेगा, कुछ लक्षण बता दो। तो उन्हें लक्षण कहते, देखो पैसे बता चलता है कि सदभाव मांग भरी हो, सिंदूर लगाए और नाक में बेसर पहनी, चूड़िया पहनते, देखने से पता चलता सदभाव है, हैं। लेकिन जो कृष्ण को भक्ति करते हैं उनका अंदर में तो कुछ चिन्ह होनी चाहिए ना। यम स्वयं कहते हैं तीन चिन्ह देखो, बोले ललाटे तिलक, देखो जो तिलक लगाए देखो, कंठे कंठी का गले में तुलसी की कंठी देखो, और भगवान की नाम जप करते हुए देखो, यम कहते यम स्वयं कहते, और तिलक लगानी चाहिए, तिलक का देखो। अब कृष्ण को देखो, कहीं भी कृष्ण मूर्ति देख लो, फोटो देखो, देखो तिलक लगा भगवान राम को, देखो तिलक है कि नहीं, भगवान हनुमान जी को देखो तिलक है कि नहीं, नारायण को देखो तिलक है कि नहीं, भगवान भी तिलक लगाते हैं, हमारी बात छोड़ दो, ठाकुर भी स्वयं तिलक लगाते हैं। तुम लोग तो हिंदू लोग, तुमको पता होगा जैसे कोई ब्राह्मण घर में पूजा करने आएगा, जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तिलक के बगैर पूजा निष्फल है। जैसे कोई अच्छे काम में कोई जाते हैं, हम क्या करते, तिलक लगाएंगे बेटा क्या तेरे काम करेंगे, तिलक का बड़े महत्व है, ठीक है ना। और हम लोग जो तिलक लगाते हैं ये गोपियों की चरण धूलि, ये ब्रजरज है। ये नारद जी जब कृष्ण का बुखार हुआ द्वारका में, किसी तरह से सही नहीं हुआ, सही कैसे होगा, कृष्ण स्वयं बोले अगर कोई भक्त मेरे को अपना चरण धूलि दे, स्नान कराया जाए, सही होगा। फिर नारद आए ब्रज में, ये सारे ब्रज गोपियों की चरण धूलि को लेकर के द्वारका में गए, वहीं पर ठाकुर को स्नान किया, तो वहीं से गोपी तिलक, वहीं से ये तिलक आती है। इसलिए तिलक जरूर लगाया करो, कैसे तिलक लगाओगे, खड़े ऐसे पूर्ण नहीं, तिलक लगाया करो और भगवान के नाम को जपा करो, बस इतना ही काम हमें, इतना ही हमें करना, बस बड़ा पारी है, बड़ा हमारी पारी है बेड़ा, ठीक है ना। सबका सब हरि नाम करो, भगवान की भजन करो, भक्ति करो और जीवन में खूब आनंद पूर्वक रहो। और आज वीरज ने होली रे रसिया, हाँ तुम्हारे घर को पाने में कथा हो रही है, कौन कौन आते हो कथा में, यही बात है। आज भगवान कान्हा जन्म लेने वाले, तुम लोग अगर हो तो कथा पास में हो रही है, लास्ट में प्रसाद भी मिलेगा, इसलिए हो तो देख लेना है। अगर ये लोग आते हैं आज सबके सब आना, भगवान ठाकुर जी के आज जन्म उत्सव होगा, और नंद के आनंद भाई हो जय कन्हैया लाल की, आज ठाकुर का जन्म होगा, इसलिए ठाकुर जी को सबके सब आना और खूब नाचना कूदना, यही जो प्रभु जी गा रहे थे ब्रजमाल है, ये मथुरा के, ये ब्रज के, हम भी वृंदावन में रहते हैं, हमारा मंदिर वृंदावन, बाकी बिहारी सेवा कुंज के पास में हम भी वृंदावन में रहते हैं, इसलिए सब बाबा सब वृंदावन में रहते हैं, हम सब वृंदावन में रहते हैं, इसलिए हम सब भजन करो, भक्ति करो और उसमें रहो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आदि के आनंद की, जय जय श्री राधे। हाँ एक भजन गा लो, एक भजन गा, बोले के राज महाराज की, चारों दिस सोहित सदा, जाके संत समाज, सब देवन के मुकुट मणि, राजा श्री गिरिराज, एक रूप ते पूजत है, दूजे रहे पुजाय, सहस्त्र भुजा पसार के, मांग मांग के खाय, गिरिराज महाराज जय 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 श्री राधे। जब हम बचपन में महाराज लोगों के साथ जाते थे, बोले महाराज के साथ हम लोग, महाराज जी ने उनको पता है, तो एकादशी पूर्णिमा पर विशेष करके गिरिराज जी में परमा बहुत लगती थी, लेकिन डेली इतनी भीड़ नहीं जाती थी, लेकिन आज हम कलकाल में जितना कलकाल का प्रभाव पड़ रहा है, हम देख रहे बहुत भीड़ जाती है, और रोज भीड़ मिलती है, रोज एक दिन खाली नहीं जाता गिरिराज जी में,
बोल के राज महाराज जी जय जय बोल के गिरिराज जी की ताली बजा के सेवा करेंगे। गिरिराज जी भक्त भक्सल हैं, ताली बजा के सिद्ध कीजिए आके। गिरिवर धारी की बहुत आनंदमय है ये गिरिराज जी का भजन, आनंद लेंगे। गिरिवर धारी की महिमा कलयुग में है भारी, उसके बाद में फिर जब मानसी गंगा को डुबकी लगाकर जब दान घाटी तरफ आते हैं पर कम्मा की तरफ, तो दान घाटी पे प्रणाम करते हैं तो पंडा लोग क्या कहते हैं, ये दुकानदार है ले ले थारी पूजा की ले, ले पूजा की थारी ले, यदि पुराण में कहते हैं ले पूजा थारी की, ले Yeah.
संजीव बोले जब सब आगे बढ़ जाएंगे तो हम दोनों भैया भोग लगाएंगे तुलसी देने के पाएंगे, लेकिन ये बेचारा आगे चला गया पता ही नहीं लगा कहाँ चला गया। मैं इसको बहुत देर तक ढूंढता रहा, फिर मैंने कोई बात नहीं कर रहा जी अपने भोग लगा के और मैं अपने ही आप पाया। Thank you.
Thank you.